हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के बाद संसद का शिवसेना दफ्तर भी सिंधे का। एससी में वकील बोले, सुनवाई जल्द करे, वे हमारा ऑफिस और बैंक अकाउंट छीन रहे। तो दोस्तों, शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई नहीं हुई। तो दोस्तों, इस पर उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा है। वही दोस्तों, उन्होंने दलील दी है कि उद्धव गुट के असेंबली ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है और अगर कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो सिंधे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा। तो दोस्तों, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अदालत ने उन्हें मंगलवार को याचिका दाखिल करने को कहा। और मंगलवार को जब उद्धव के वकील सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचे तो कोर्ट ने कहा, बुधवार को संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद यह मामला सुनेंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुंभेश्वर धाम में दो और मौतें। तबीयत बिगड़ने से महिला, हार्ट अटैक से पुलिसकर्मी की जान गई, 5 दिन में 5 मौतें। तो दोस्तों, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीओरिसिस कुंभेश्वर धाम में सोमवार को दो और लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, इनमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी शामिल है। तो दोस्तों, बता दें कि कुंभेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है। तो दोस्तों, जिसमें शामिल होने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कुंभेश्वर धाम में 5 दिन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी की पूनम ठाकुर पत्नी सत्य प्रकाश ठाकुर रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने के लिए कुंभेश्वर धाम आई थी और दोस्तों, बताया जा रहा है कि अचानक तबीयत खराब होने से शाम करीब 4:30 बजे उनकी मौत हो गई और डॉक्टर ने बताया कि मृतक महिला को कुंभेश्वर धाम की एम्बुलेंस से लाया गया था। वही दोस्तों, महिला के अलावा एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है और जानकारी के अनुसार इंदौर के खजराना पुलिस थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ श्याम मीणा की ड्यूटी कुंभेश्वर धाम में लगाई गई थी, जहां उनकी मौत हो गई। वही बताया जा रहा है कि प्रधान आरक्षक श्याम मीणा की मौत हार्ट अटैक के आने के कारण हुई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। लॉरेंस गैंग की मदद कर रहे थे आर्मी के जवान, घर में लगाई नकली नोट छापने की मशीन, हथियार खरीदने के लिए नेटवर्क बनाया। तो दोस्तों, राजस्थान में मंगलवार सुबह NIA की टीम लॉरेंस के गुर्गों के यहाँ छापेमारी की है और दोस्तों, इसका कनेक्शन जोधपुर से भी सामने आया है और यहाँ भी उसके एक गुर्गे कैलाश मांजू के यहाँ रेड की गई है। वही दोस्तों, NIA लॉरेंस के सिंडिकेट कनेक्शन और हथियार की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर हो रही है। और दोस्तों, इस बीच जोधपुर में 5 दिन पहले हुई सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो दोस्तों, लॉरेंस का गुर्गा और सरपंच की हत्या की प्लानिंग करने वाला मास्टरमाइंड उमेश सिंह सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर के कांटेक्ट में था और लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल सिंह के साथ मिलकर वह जोधपुर में दहशत फैलाने की प्लानिंग कर रहा था। और दोस्तों, इसके लिए हथियारों की जरूरत थी और पुलिस ने गैंग की मदद करने के आरोप में आर्मी के एक लांस नायक को भी पकड़ा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, 56,000 के करीब आया सोना चांदी भी 66,000 के नीचे आई। तो दोस्तों, मंगलवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, IBJ की वेबसाइट के मुताबिक 21 फरवरी को सराफा बाजार में सोना 154 रुपए सस्ता होकर 56,447 रुपए पर आ गया है। वही दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में सोना 59,000 के करीब पहुंच गया था। और दोस्तों, अगर चांदी की बात करें तो इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है और सराफा बाजार में यह 121 रुपए लुढ़क कर 65,639 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वही दोस्तों, इससे पहले सोमवार को यह 65,760 रुपए पर बंद हुई थी। तो दोस्तों, 2 फरवरी को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था और IBJ की वेबसाइट के मुताबिक तब सोना 58,882 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इसी के बाद दोस्तों, इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में तेजी, अडानी पावर 5% चढ़ा, ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन और टोटल गैस 5-5% टूटे, सेंसेक्स में मामूली बढ़त।
तो दोस्तों मिले जुले ग्लोबल मार्केट संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत मंगलवार को फ्लैट हुई है। और दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। और सेंसेक्स 60,700 के करीब और निफ्टी 17,850 के करीब कारोबार कर रहा है। और सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के 10 में से 3 में गिरावट है और फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस करीब 0.5% ऊपर है। वही अडानी पावर में 5% का पर सर्किट लगा है और अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर में 2-2% की तेजी है। और ग्रुप के सीमेंट स्टॉक ACC में 0.5% और अंबुजा सीमेंट में 3.5% की तेजी है। वही दोस्तों मीडिया कंपनी NDTV भी करीब 1.5% बढ़कर कारोबार कर रहा है। और दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन और टोटल गैस 5-5% टूटे है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एयर इंडिया ने 470 विमानों के लिए शुरू की हायरिंग। एयरलाइन पायलटों को ऑफर कर रही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी पैकेज। तो दोस्तों एयर इंडिया ने अपने 470 नए विमानों के लिए हायरिंग शुरू कर दी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग और एयरबस से विमानों की डिलीवरी के लिए तैयार एयर इंडिया ने विभिन्न रैंकों और भूमिकाओं की भर्ती करना शुरू किया है। वही दोस्तों एयरलाइंस के पास वर्तमान में लगभग 140 विमानों का स्पोर्ट स्टाफ है। वही दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि एयर इंडिया कुछ रोल्स के लिए सालाना 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी का पैकेज भी ऑफर कर रहा है। और दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया 2777 कैप्टन की तलाश कर रही है और इसके रोल के लिए एयरलाइन सालाना 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी का भुगतान करती है। वही दोस्तों एयरलाइन हाई लेवल की क्षमता वाले 2737 NG मैक्स टाइप रेटेड पायलटों को लेकर 2777 फ्लीट के लिए फर्स्ट ऑफिसर्स को जॉब दे रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेल्फी के लिए सोनू निगम से धक्का मुक्की। स्टेज से उतरते समय सिंगर और उसके दोस्तों को धक्का दिया। विधायक के बेटे पर केस दर्ज। तो दोस्तों मुंबई के चेंबूर इलाके में लाइव कंसर्ट के दौरान सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की की गई है। तो दोस्तों घटना सोनू के साथ सेल्फी लेने पर हुई थी। वही दोस्तों आरोप उद्धव गुट के विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे पर लगा है। और दोस्तों घटना के बाद सोनू ने सोमवार देर रात पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ FIR कराई और इसमें चोट पहुंचाने गलत तरीके से रोकने की शिकायत की गई है और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि यह घटना चेंबूर फेस्टिवल के फिनाले के दौरान हुई और सोनू निगम परफॉर्मेंस कर रहे थे, तभी पुलिस ने दर्ज शिकायत के अनुसार विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे ने पहले तो सोनू के मैनेजर सायरा संघ से बदतमीजी की और उसके बाद में जब सोनू निगम स्टेज से उतर रहे थे तो उसने पहले सिंगर के बॉडीगार्ड को धक्का दिया और फिर सोनू को भी धक्का मारा। और DCP हेमराज सिंह राजपूत के मुताबिक आरोपी का नाम स्वप्ननील फटरपेकर है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कुत्ते ने 4 साल के बच्चे को नोचा, मौत। हैदराबाद में मासूम की गर्दन पकड़कर घसीटते हुए कार के नीचे ले गया। तो दोस्तों हैदराबाद के बाग अंबेरपेट इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तो दोस्तों जहां आवारा कुत्तों ने सड़क पर जा रहे 4 साल के मासूम बच्चे को नोच खाया और 6 कुत्तों का झुंड मासूम को तब तक नोचता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बाद में दोस्तों कुत्ते ने उसे घसीट कर पास खड़ी कार के नीचे ले गए और रविवार को दोस्तों यह हुई पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। और जिस मासूम ने कुत्तों को अपना शिकार बनाया है उसका नाम प्रदीप था और वह एरुकुला बस्ती में रहने वाले गंगाधर का बेटा था। तो दोस्तों गंगाधर 4 साल पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ काम के लिए हैदराबाद आया था और अब वह अंबेरपेट में कार सर्विस सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड बन गया। और रविवार को गंगाधर प्रदीप को भी साथ ले आया था और बेटे को अपने केबिन में छोड़कर गंगाधर काम के लिए बाहर चला गया। और थोड़ी देर बाद प्रदीप केबिन से बाहर आ गया और पार्किंग में पहुंच गया और जब वह कैंपस में अकेला घूम रहा था तब 3 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 3 घंटे में दिल्ली पहुंचने के लिए 175 रुपए ज्यादा लगेंगे। समझिए एक्सप्रेसवे पर एक ही टोल फिर भी क्यों लगेंगे ज्यादा रुपए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों नेशनल हाईवे ने हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए टोल टैक्स रेट भी जारी किए हैं। वही दोस्तों 16 फरवरी की रात से
टोल वसूलना शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि कोई जयपुर से दिल्ली जाना चाहता है तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से वह सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, जबकि दोस्तों जयपुर से दिल्ली रोड पर यह सफर तय करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों एक्सप्रेस वे से सफर आसान तो हो ही गया है, लेकिन दोस्तों साथ ही महंगा हो गया है, क्योंकि दोस्तों पुराने रास्ते पर जयपुर से दिल्ली में सफर करने में 375 रुपए का टोल लगता था, जबकि एक्सप्रेस वे पर यह टोल 550 रुपए यानी दोस्तों 175 रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, त्रिपुरा की राज्य भाषा कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं त्रिपुरा की राज्य भाषा कौन सी है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।